अच्छा भाई, अब ऐसे मतलब पहली दफा होगा कि आज मिक्सर क्लास होगी ना, कुछ बच्चे रेडियो में भी है और कैमरे में भी। असल होता पता क्या था, कैमरे पे जो एक प्रॉब्लम होती थी पढ़ाते हुए वो होती है थी कि जब मैं पढ़ाना वैसे शुरू करता हूँ या कोई जुमला कहता हूँ या कुछ समझाया तो मैंने हारिस साहब इनकी शक्ल देख ली, मरियम की देख ली, जितनी भी नजर आ रही होती ठीक है ना, तो शक्ल से ही अंदाजा हो जाता था कि आपको मेरी बात समझ में किस हद तक पहुंची है या किस हद तक नहीं पहुंची। तो मेरे दिमाग का जो अगला जुमला होता था वो उसी तरतीब से निकलता था कि मैं आपको और अच्छे से या नहीं समझा, समझ में आ गई तो मैं कुछ और चलू वरना मैं उसी बात को दोहरा दू। जब ये कैमरा सामने होता था तो मुसीबत क्या होती थी, अब मैंने बोल तो दिया लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कि ये मेरा जुमला कितना अच्छा तुम लोगों तक पहुंचा, क्या मैं बचा सका, तो वो फिर एक बड़ी अजीब सी होती थी फीलिंग। तो आज मेरे ख्याल मिक्स फीलिंग आई थी क्योंकि आज चेहरे भी मौजूद है और कैमरा भी मौजूद है। ठीक है, अब सुनिएगा जरा गौर से कि चैप्टर क्या करा रहा हूं। अब जहां तक हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में किया था उसी चैप्टर्स में ये चैप्टर कहलाता है मटेरियल कॉस्टिंग। ठीक है, यानी आपको याद है कि जब हमने मटेरियल इन्वेंट्री का कहा था या जॉब ऑर्डर पढ़े थे तो हमने मालूम करा था कि तीन तरह की कॉस्ट है जिसको इकट्ठा किया जाता है। कौन सी तीन कॉस्ट हम सब जानते हैं कि मटेरियल की कॉस्ट है, ठीक है ना, लेबर की कॉस्ट है और एफओएच की कॉस्ट। अब शुरू में जब आपको पढ़ाया गया, जो बताया गया उसमें आपको सिखाया गया तीनों को लेकर प्रोडक्ट की क्या निकालना, कॉस्ट निकालना। चाहे पहला चैप्टर था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का जो कि शुरू में बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा था, उसको अभी भी पढ़ेंगे, या जॉब ऑर्डर था, इन सब में ऑर्डरिंग प्रोसेस भी एक और चैप्टर है, इन सब में ये तीनों चीजें एक साथ आती। लेकिन अब जो है ना ये जो तीनों चीजें मौजूद हैं, अब हमें इन तीनों में आने वाले इश्यूज को अलग अलग देखना है। यानी मटेरियल के क्या इश्यूज हैं, लेबर के अंदर क्या इश्यूज हो सकते हैं और एफओएच के अंदर क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो ये तीनों चैप्टर अब हम अलग अलग पढ़ेंगे। मसलन मटेरियल के अंदर वाला चैप्टर भी पढ़ने जा रहे हैं इसलिए इसको मैं जरा बात बताता हूं। मसलन लेबर, लेबर क्या है, आपको याद होगा कि लेबर को अक्सर हम ओवरटाइम भी देते हैं, बोनस भी देते हैं। क्या हम लोगों ने जॉब ऑर्डर में इतना सारा काम किया था लेबर पे, वहां कौन से बैंक एंट्री बना देते थे, क्या वर्क इन प्रोसेस डेबिट पेरोल क्रेडिट काम हो गया, फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर पड़ा वहां भी हमने पेरोल बना बनाया, हमने सिर्फ क्या किया उसमें डिडक्शन की और पेमेंट कर दी। लेकिन यार पेरोल कैसे बना, क्या हुआ वहां पे, कुछ इंसेंटिव वेज प्लान बनाना सिखाएंगे आपको कि कैसे लोगों को इंड्यूस किया जाता है इस बात पे कि तुम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, उनको कैसे इंसेंटिव दिए जाते हैं, बोनसेस दिए जाते हैं, तो उसको पढ़ाने के लिए फिर हमें पढ़ाया जाएगा लेबर कॉस्टिंग, यानी लेबर को कैसे हम पे। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के खर्चे, इसमें आप सोचो डिपार्टमेंट का नाम तो सुना है ना आप सब, तो अगर किसी एक फैक्ट्री में डिपार्टमेंट हो तो उसमें एक नए चैलेंज आएंगे। क्योंकि आपको ऐसे याद होगा कि कल मैं डिस्कस कर रहा था इन लोगों से एडवांस अकाउंटिंग में कि एक रेट होता था बैड डेट का, एक रेट भी होता था और मल्टीपल रेट भी होता था। इसी तरह पता है डिपार्टमेंट जब होते हैं तो बात हो पाता है एफओएच का एक रेट नहीं बल्कि मल्टीपल रेट होते हैं। हम लोग आजकल जब तक पढ़ रहे थे जॉब ऑर्डर में एक ही रेट होता ना कि लेबर पे लगा दो, लेकिन आप लोगों ने एक उस बात जॉब ऑर्डर में नहीं किया था कि डिपार्टमेंट के दो रेट थे, एक जगह मशीन आवर इस्तेमाल हो रहा था और एक जगह लेबर आ रहा था। इस तरह के तमाम इश्यूज एफओएच के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उसी से रिलेटेड अब हमारे पास पहले का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि मटेरियल कॉस्टिंग के हवाले से, कि हम जो मटेरियल की एक एंट्री आती थी कौन सी, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, क्या एंट्री बना लेते थे, वर्क इन प्रोसेस डेबिट मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। लेकिन भाई कैसे आई फिगर, वो फिगर भी तो कोई आसमान से तो नहीं उतरी होगी, वो फिगर भी कहीं ना कहीं से क्या हुई होगी, ड्राइव की गई होगी, कैलकुलेट की गई होगी, तो उसके पीछे क्या वर्किंग है, अब वो सिखाना आपको मकसद। ठीक है, तो इसमें हम मटेरियल कॉस्टिंग में दो चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और दूसरा टॉपिक जो है मटेरियल कॉस्टिंग का टू वो कहलाता है इन्वेंट्री लॉसेस। इन्वेंट्री वैल्यूएशन बेसिकली उसी चीज से डील कर रहा है जो आपका था जिसमें आप लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल यूज की फिगर आपको गिवन होती थी, वही चीज आपके पास यहां पे मिलेगी। इन्वेंट्री लॉसेस आप पढ़ेंगे
जब हम अगला चैप्टर इसके साथ स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, उसमें हम देखेंगे कि आपके पास इन्वेंट्री जब प्रोडक्शन के लिए जाती है तो अक्सर ये होता है कि सारी की सारी रॉ मटेरियल फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ रास्ते में प्रोडक्शन के दौरान नॉर्मली या अब नॉर्मली क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जाया हो जाता है। यानी अगर ये मार्कर बन रहा होगा तो इस वक्त प्लास्टिक जो होगी वो रॉ मटेरियल होगी ना। अगर एक स्टैंडर्ड है कि जनाब इतने बाय इतने की शीट से इतने मार्कर निकलेंगे तो जरूरी नहीं कि उतने ही मार्कर निकल सके, क्योंकि ये मोल्डिंग होती है और मोल्डिंग के बाद ये प्लास्टिकेशन अगर जरा सी हिट ज्यादा हो गए तो वो मोल्डिंग से शीट क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, वो मार्कर सही बन नहीं सकेंगे, नहीं तैयार हो सकेंगे। तो वो फिर कॉस्ट है जो कि इन्वेंट्री के लॉस की है, उसको कैसे डील किया जाएगा वो हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम चलते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में। ये चैप्टर कोई नया नहीं है, ये तकरीबन वही चैप्टर है जो पार्ट वन में आप पढ़ के आए थे, जो कि आपके पीरियोडिक और परपेचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन का था। वहां बहुत ज्यादा था, यहां उसके मुकाबले में थोड़ा सा कम है, लेकिन चीजें सारी को मौजूद है। मुझे यकीन है कि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको धक्का लगाऊंगा, आपकी गाड़ी दौड़ पड़ेगी और आपको आ जाएगा, लेकिन उसमें चंद एक पॉइंट है जो एक्स्ट्रा है जो कि हमने उस तरह से पार्ट वन में नहीं पढ़े, ठीक है। तो अभी मैं ऐसा है कि मैंने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी है दो फाइल्स, इसकी है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की और एक इन्वेंट्री लॉस की। इसकी फाइल अभी डाउनलोड करके अगर हो सके तो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा ताकि आपके पास है। इसमें मेरा नहीं तो पीडीएफ सीडीएफ है, तो आप उसमें कोई सॉल्व नहीं किया, तो बेसिकली मैंने कोई अपने तरफ से नहीं किया, ये मैंने पीटी वाला की किताब का जो है पीडीएफ तैयार कर दिया है। आप लोगों के पास अगर पीडीएफ वाला मौजूद है तो आप उससे शेयर कर ले, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि इसके लिए जरूरत नहीं है कि मैं पूरा काम करूं, काम वही है छोटा सा और मैं फाइनल से आपको दिखाता हूं। सवाल और क्वेश्चन तो आप लिखिएगा कि करेंगे, तो ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट करके बहुत ही सादा सा क्वेश्चन, तो मैं ऑफिस में बैठ के मैंने एक लिस्ट बना ली थी इसमें कौन कौन से तरतीब से कराऊंगा। सबसे पहले तो आप ऐसा कीजिए कि 2016 प्राइवेट में क्वेश्चन नंबर 8 था, निकालिए जो मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन आया था 2016 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। समझ में आ गया आपकी बात, इतने दिनों बाद आप आएंगे यकीन भूल गई होगी सब कुछ। अब इस चैप्टर में इस सवाल में आप देखिए कि, और सच्ची बात मैं आपसे कहूं अगर तो मुफ्ते के नंबर आएंगे आपके लिए। अगर ये कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में सवाल आ जाता है तो बिल्कुल आप इसमें 100% मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं इन्वॉल्व होती है, सिर्फ सीधे सीधे काम करना होता है, आप कर सकते हैं। देखिए इसकी हेडिंग है इन्वेंट्री लेजर कार्ड, मुख्तलिफ नामों से याद रखेंगे, मुख्तलिफ नाम देंगे। मैं आपको एक बात बता दूं मैडम, जब हम लेजर कहते हैं तो नॉर्मली लेजर से मुराद होता है इन्वेंट्री का टी अकाउंट, ठीक है। लेकिन सही यहां पे अक्सर मिक्सचर बना देते हैं नाम का, लेकिन पहले मैं आपको वो नाम सिखा रहा हूं जो नए नाम होते हैं। फिर एक होता है एक इन्वेंट्री का कॉस्ट कार्ड जिसको हम पार्ट वन में बनाते हैं, कौन सा पार्ट वन होता है, डेट परचेजेस, कुछ लोग लिखते थे सेल, मैंने आपको कहा था कि सेल जगह पर लिखा था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉलम हुआ करता था डेट यानी बकायदा, और आखिर में कॉलम होता था बैलेंस। ये जो आप बनाते थे ये इन्वेंट्री का बेसिकली कार्ड है या इन्वेंट्री की एक शेड्यूल है, या फिर आप कह सकते हैं उसको ये भी एक तरह का इन्वेंट्री का लेजर है कि कितना इन्वेंट्री इन हुई और कितनी इन्वेंट्री आउट हुई। अच्छा, उन तीनों यानी परचेजेस में, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में और बैलेंस में मजीद तीन कॉलम होते थे, कौन से, यूनिट, यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, याद है ना, मैं बनाऊंगा। लेकिन इसी का एक लेवल बदल होता है जिसे कहते हैं बिन कार्ड। बिन कार्ड और इन्वेंट्री लेजर में क्या फर्क होता है, ये दो नाम आप बहुत से सुन रहे हैं, कभी कभी पूछता भी है, इन्वेंट्री लेजर और बिन कार्ड। बिन कार्ड क्या है कि स्टोर में बड़े बड़े रैक्स बने हुए हैं, ठीक है ना, उन रैक्स में सामान रखा हुआ है सारा। अब वो जो सामान रखा हुआ है तो उस रैक के साथ एक कार्ड लटक रहा है, उस कार्ड में भी वही तीन कॉलम बने हुए हैं, लेकिन यहां परचेजेस का कॉलम नहीं होता,
यहां होता है रिसीव, यानी पहला कॉलम तो डेट का है, लेकिन उसके बाद होता है रिसीव्ड, इश्यूड और टैक्स। रिसीव्ड क्यों? आप याद रखिए कि आप मटेरियल स्टोर में बैठे हैं, तो मटेरियल स्टोर वाला क्या करेगा, स्टोर कीपर क्या करेगा, मटेरियल रिसीव करेगा। तो किस कॉलम में लिखेगा? पहला कॉलम डेट के बाद रिसीव। फिर वो क्या करेगा, उसको आने वाले वालों को क्या करेगा, प्रोडक्शन आइडिया भेजेगा, तो वो लिखेगा इश्यूड, और फिर जो बच जाएगा वो कहां चला जाएगा, बैलेंसिंग कॉलम में चला जाएगा। अभी बना लेता हूं, मूर्धा साहब की शक्ल ऐसी बन रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा। तो बताने का मेरा मकसद ये, फर्क समझ लो, लेजर में तीनों चीजें होती है, यूनिट भी होता है, यूनिट कॉस्ट भी होता है, और टोटल कॉस्ट होता है जो हम बनाते थे। लेकिन जो बिल कार्ड होता है ना, उसमें सिर्फ यूनिट होती है, क्योंकि जब स्टोर में जब रैक के ऊपर कार्ड अटक रहा है ना, तो उसमें कॉस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट आपके कंप्यूटर शीट पे या रजिस्टर पे होगी, वहां पर सिर्फ तादाद होगी कि भाई यहां पर इस तरह की चीज के 10 डब्बे थे, 6 डब्बे इशू कर दिए, कितने बच गए, 4। इस तरह से तो बिल कार्ड में क्या नहीं होता, कॉस्ट नहीं होती, क्या होता है, सिर्फ यूनिट्स होते हैं। और लेजर में क्या होता है, सब चीजें होती है, कॉस्ट भी होते हैं, यूनिट भी होता है, दोनों तीनों चीजें होती है, ठीक है। तो हमें बनाने कहेगा हमेशा क्या, लेजर। आइए पहले मैं आपको शक्ल दिखा दूं कि लेजर किस शक्ल का बनाएंगे आप। हमेशा हमेशा आपने इस तरह से कॉलम ड्रॉ किया, सबसे पहले कौन सा कॉलम, डेट, ठीक है। उसके बाद तीन बड़े मेजर कॉलम्स आपके पास आ गए, और फिर ये तीनों कॉलम तीन फर्दर स्टेजेस में डिवाइड। पहला कॉलम का नाम, जैसा मैंने कहा कि यहां परचेजेस नहीं होगा, यहां इस कॉलम का नाम होगा रिसीव, ठीक है। और इसमें पहला सब कॉलम जो होगा वो यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट और दूसरा मेन कॉलम इश्यूड, वैसे ही यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, और लास्ट कॉलम बैलेंस, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। अच्छा, अब मेन काम आप लोगों ने जरा सा मेरे साथ पहले कर लीजिए, उसके बाद आप लोग इसके देखो, याद रखो कि वीडियो अगर मूवीज इसकी तो बन रही है, तो फिर आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आप भी वहां यूट्यूब चैनल से देख सकते होंगे। इसलिए छपाई से ज्यादा जरूरी होगा कि आप मेरे साथ समझ लीजिए इसको, क्योंकि चैनल पर मौजूद है, वहां से ले लीजिएगा, पिक्चर ले लीजिएगा, फिर घर के उसके बाद तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी। तो टाइम सेव करके जल्दी से करते हैं, पढ़िए सवाल, पढ़िए निकालिए, क्वेश्चन सामने रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोला ना मैंने आपको, क्या कहने लगा आपसे, आपने देखा कि द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू आर रॉ मटेरियल फॉर जनवरी 2017। ओके, उसके बाद आप देखिए कि पहले इन्वेंट्री ऑन जनवरी 1st, आप जानते हैं कि जब भी इस तरह का सवाल आता था तो ओपनिंग बैलेंस होता था, जनवरी 1st का बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद आप देखिए रिसिट्स, 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 तीन दफा लगातार क्या है, रिसिट्स है, और उसके बाद क्या मौजूद है, इशूड, इशूड। अच्छा, इस सवाल में एक चीज अगर नोट करें तो उन्होंने, मैंने चूंकि सिर्फ दिखाने के लिए सवाल बनाया था, देख लिया कि इसमें आपको क्वेश्चन में तीनों दफा परचेजेस दिए हुए आपको, लेकिन डेट को उन्होंने आगे पीछे ऊपर नीचे कर दिया। आप देखिए पहली रिसीट किस तारीख को, 5, दूसरी कब है, 9, तीसरी कब है, लेकिन उसी दौरान इशू कब है, 12, और इशू कब है, तो हमें कौन सी चीज फॉलो करनी है, इनकी धीमी तरतीब या डेट, हमें डेट के हिसाब से चलना। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा उन्होंने आगे पीछे किया है। अब करना क्या है, तो सवाल का एक पॉइंट पढ़िए, कह रहा है प्रिपेयर इन्वेंट्री कार्ड बाय यूजिंग फीफो एंड हम तीसरा वाला भी आज कर लेंगे, कौन सा, मूविंग एवरेज मेथड। क्यों कहते थे मूविंग एवरेज मेथड,
मूविंग एवरेज क्यों कहते थे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने अपने वालों को तो बताया था, मुझे यकीन है लेकिन मेरे वाले कितने अच्छे हैं, हरीश तुम्हें तो याद होना चाहिए, नहीं याद है सर? रेट जो है एवरेज तो होता है, मैं बताता हूँ पहला काम सही कह रहे हो, लेकिन एवरेज की बात मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं, यानी याद रखो प्रियोटिक और परफ्यूचुअल दो होते हैं ना, अब तुम ये तो देखेगा ही नहीं ना, जहर लग रहा होगा मेरे आप मुझे ना, तुम तो खैर क्या बोलू मैं, क्योंकि छह महीने रिकॉर्ड हो जाएगी बात, ठीक है ना। देखो बेटा याद रखना कि असल में होता ये है, बता दू पहले जवाब दे दू कि पीरियोडिक सिस्टम में सिर्फ वेटेड एवरेज है, परपेचुअल में इसका नाम होता है वेटेड मूविंग एवरेज। दरअसल पीरियोडिक में एक ही दफा एवरेज कॉस्ट निकलती है, जबकि परपेचुअल में हर दफा अलग अलग कई दफा कॉस्ट निकलती है, और जब कॉस्ट बार बार निकलती है तो आप देखिएगा कि उसकी एवरेज कॉस्ट हर बार मूव होती रहती है, चेंज होती रहती है, इसलिए उसको कहते हैं वेटेड मूविंग एवरेज। समझ में आएगा कि अगर पहले मेरे पास 10 और 12 की एवरेज थी, अगले यूनिट आ गया कितने का 13 का, तो 10 और 12 का जो भी एवरेज था अब वो 13 के हिसाब से क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। सभी अगर मैं कराऊंगा तो, लेकिन इस पर इतना ध्यान रख लीजिए क्यों कहते हैं परपेचुअल मूविंग एवरेज, क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट हर परचेज के बाद क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। तो इसलिए परेशान मत होइएगा, पीरियोडिक में सिर्फ एवरेज कॉस्ट कहते हैं, जबकि परपेचुअल में उसको मूविंग एवरेज कहते हैं, और कोई वजह नहीं, काम एक ही है जो सीख रहे। तो जनाब आपने अपने जो कंपनी शंपनी का तो नाम दिया हुआ नहीं है, आप डैश कंपनी लिख के सेकंड लाइन में लिख दीजिए आप क्या बनाने जा रहे हैं, इन्वेंट्री कार्ड। याद रखिए कि हमेशा इन्वेंट्री कार्ड या इन्वेंट्री लेटर अगर इस चैप्टर में बनाने बोले तो यही बनाना है। बिन कार्ड मैंने सिर्फ समझा दिया है, बिन कार्ड बनाने को नॉर्मली नहीं आता, क्योंकि वो बहुत आसान है, उसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए बिन कार्ड में नहीं, बिन कार्ड में कोई फीफो लिफो इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें तो खाली यूनिट गिनते हैं कि ये बच गए ये रह गए, इसलिए वो आपको बनाने को नहीं आएगा, हमेशा ये बनाना। थर्ड लाइन में फॉर द पीरियड एंडेड, जो भी पीरियड एंड हो रहा है वो लिख दीजिए, और वो पीरियड है सर आपके पास जनवरी का महीना है तो जनवरी की 31 तारीख, ठीक है। अच्छा इस लेटर के साथ लेकिन पहले आप लिख दीजिएगा कौन से मेथड से आप कर रहे हैं, फीफो, तो आप लिख सकते हैं कि बाय फीफो मेथड, ठीक है, इन्वेंट्री कार्ड या लेजर बाय फीफो मेथड। शुरू करूं, मैंने फिर कहूंगा कि मैं बता रहा हूं सुनो बेटा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप यहां पर जनवरी फर्स्ट की डेट डालें, और जनवरी फर्स्ट को ओपनिंग बैलेंस था जी सर, तो ओपनिंग बैलेंस ना रिसीव में आएगा ना इश्यूड में आएगा, डायरेक्ट ले जाके बैलेंस लीजिए, और वो बैलेंस है 400 यूनिट, कैलकुलेटर उठा के आप जल्दी कैलकुलेट करिए, और एक यूनिट जो बिल्डिंग का था वो 14 रुपए का था, तो 400 को 14 से मल्टीप्लाई 5600, बहुत आसान होगा आप लोगों का, आराम से बताइए, जल्दी की जरूरत नहीं है, ये आपकी ठीक है। अच्छा इसमें ना यहां पर बैलेंस बाबा का खाली छोड़ देते, लेकिन असल तरीका यह है कि बैलेंस को लिखकर आप इसके नीचे क्लोज लाइन उसके बाद आगे बढ़िए, कैसे देखिए, वैसे तरीका सारे इसमें एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो एक सबसे ज्यादा यूज होता है ना वो दिखा रहा हूं। अब आप अगली डेट 5 तारीख की, जब वो रिसीव हुआ था, इसी के बाद 5 तारीख की डेट डालिए, कितने यूनिट रिसीव हुए थे 500, और कितने के हिसाब से थे 13, कितना बना 6,550, सही है 13.10 यूनिट थे 13.10 6,550, बहुत शुक्रिया आपका। नाउ शिफ्टेड टू हियर, मगर इस लाइन का मतलब है कि ये ऊपर है, तो अब आप दोबारा एक शेड्यूल नन्ना मुन्ना था बनाते हैं, तो दोबारा इसको उतारिए और वहां वाला शिफ्ट कीजिए, इसके साथ इधर 500 और अब इसको एक टोटल कि आपके पास टोटल कितने यूनिट्स हैं 900 और 12,150। देखो ये टोटल करना क्यों जरूरी है कि आज 5 तारीख को अगर आपसे आपके सुपरवाइजर आपका ऑनर पूछे हाँ भाई कितने यूनिट्स टोटल है बड़े, तो उस वक्त बैठ के तुम टोटल नहीं करोगे ये इतने हैं, तो
तुम्हारे पास रेडली अवेलेबल हो चीज कितनी सर 900 है। अच्छा टोटल कॉस्ट क्या बनती है सर 12,150। इसलिए हर दफा टोटल करके वो चीज रेडी रखी जाती है ताकि कभी भी आपके और आपके पास कोई भी क्यूरी आए तो आप उसको फौरन तौर पे बता सके। अब इसी के बाद फौरन देखिए 5 तारीख के बाद अगेन 9 तारीख को फिर करीब करीब डेट वही है और फिर परचेज होती है और थोड़ा सा फासला रखिएगा ताकि आपके पास ये लाइन इस लाइन के सामने नहीं आए। यहाँ क्या डेट है 9 और कितने यूनिट्स है 200 सर 24 80 12.40 रुपए और 24,2480 ना फिर शिफ्ट मगर फिर अगेन इनको उतारिए नीचे। ये एक समझिए कि क्लैरिकल काम है जो आपके पास करना पड़ेगा और अगर नहीं करना चाहे तो आप कर सकते हैं लेकिन शो तो आपको सर अगर हम 900 डायल उतारने पूरा सर हमें अभी जो फीफू मेथड करना है ना तो उसके लिए हमें हर की यूनिट कॉस्ट अलग अलग चाहिए। 900 अगर उठा लेंगे तो उसकी एक साथ यूनिट कॉस्ट हमें मालूम नहीं और मिक्सिंग हो जाएगी। आप याद रखिए कि आपके पास तो इस वक्त सिर्फ 3 परचेजेस हैं जिनकी 3 कॉस्ट है प्रैक्टिकली पता नहीं 300 परचेजेस होंगे जिनकी अलग अलग कॉस्ट होगी फिर आपके लिए दुश्वारी हो जाती है। अच्छा कितना हो गया 1100 टोटल कितना हो गया 630। अब देखो लाजमी सी बात है यार 20 नंबर मिल रहे हैं इस सवाल के तो यार इसके लिए जरूरी है कि कम से कम इसको प्रॉपर वे में करो। जुगाड़ में करोगे तो हो सकता है कहीं पे कोई नंबर आपने काट दे क्योंकि याद रखिए कि पार्ट वन के अंदर फिर भी छोड़ दिया जाता था प्रिंसिपल था ये एडवांस अकाउंटिंग है यू हैव टू फॉलो द प्रोफेशनल वे इस पे जुगाड़ और इस पे ट्रिक्स में मत जाइए। फिर अब आ जाइए 9 तारीख के बाद अगर चाहे रिसिप्ट है लिखा हुआ लेकिन वो 25 है 12 तारीख के इश्यू पे आ जाइए 12 तारीख की डेट डालिए और 12 तारीख को इश्यू कितने यूनिट्स किए आपने आपने किए 600 और देखिए आप सुनिए जो है मैंने कि 600 यूनिट्स किए फीफो मेथड है तो फीफो मेथड का याद होना चाहिए शुरू वाले सोल्ड हो जाते हैं तो सबसे पहले जो सोल्ड होंगे 414 वाले 414 वाले सोल्ड होंगे और उनकी कॉल बनेगी 5,600 सही है जी सर। हमने कितने सोल्ड किए 600 ना लेकिन पहली बार लॉट से कितने निकलेंगे 400 अब मजीद कहा कितने 200 जो रह गए वो इस 500 वाले लॉट से निकलेंगे जिनकी वैल्यू थी 13 रुपए 10 पैसे मल्टीप्लाई कीजिए क्या 2,620 क्लियर। लेकिन अब क्या हुआ 400 तो पूरे बिक गए 500 में से 200 बिक गए बचे कितने तो 500 की लॉट से बचे 313 रुपए 10 पैसे के हिसाब से मल्टीप्लाई करके बताइए क्या बचा 3,930 और ये 200 में कभी हाथ नहीं लगा तो ये 200 वैसे ही 12,40 2,480 के साथ आ जाएंगे और यहां टोटल हो जाएगा 500 10 4 6 इज इट क्लियर सब कुछ समझ में आया। आप लोग दोबारा देख लीजिए 400 ये पूरे आ गए 500 में से 200 आ गए 400 खत्म हो गया 500 में से 200 चले गए थे 300 यहां आ गए और ये 200 है जी सर। अब आइए एक और सेल है एक और इशू है 27 तारीख क्या 27 से पहले एक परचेजेस मौजूद है तो 25 तारीख की डेट आ गई कितने यूनिट खरीदे गए 700 यूनिट खरीदे गए लिखिए 700 कितने के हिसाब से खरीदे गए हैं 12.10 ओके क्या वैल्यू बनती है 8,470 शिफ्ट करिए 300 पहले उतारिए 3,930 200 1240 2,480 712 10 के हिसाब से 8,470 टोटल कर लीजिए 7, 3, 10 और 1200 14,880 इज इट क्लियर। आप भाई जल्दी से मोहन साहब फिर लास्ट में सोल्ड किया yes, sir.
27 तारीख को कितने सोल्ड हुए? 500। थोड़ा सा अपनी लाइन एक्सटेंड कर लो, हमने सोल्ड किए हैं 500 है ना, 27 तारीख की डेट आ गई, 500 कहां से सोल्ड करेंगे? 300 ऊपर वाले 13-10 के हिसाब से, सही कॉलम यूज कर रहा हूं, ठीक है 13-10 3930 212-40 इत्तेफाक है कि पूरी पूरी लॉट बिक जा रही है, और बचा कितना 700 आखिरी लॉट बची, तो इत्तेफाक यह है इसमें कोई लॉट तोड़ने की जरूरत पेश नहीं आई, आपने ये किया और अब आप इस कॉलम को आखिर में इस तरह टोटल कर दीजिए कि बची हुई इन्वेंट्री जो है, क्योंकि अगले सवाल में कहेगा एंडिंग इन्वेंट्री, तो आप बताइए 700 यूनिट्स हैं 12 के 10 पैसे के हिसाब से, लेकिन यूनिट कॉस्ट की जरूरत नहीं, असल बात है कि यूनिट्स कितने हैं और कॉस्ट कितने, इसी तरह इन कॉलम का टोटल कर दीजिए, ये जो मेरा ख्याल है 1400 आ गए, और 4, 2, 6 यहां पर ये बताओ 6 और 5 1100 17,500 और यहां 14,630 अब इसको किस तरह से करोगे तो देख लो, एक चेक बता दूं ताकि अगर कभी गलती हो तो उसको चेक कर सको, क्योंकि बातों का भी होता है, हाँ याद है बोलो टाइम नहीं छोड़ दो, अच्छा है कितने यूनिट्स हैं, कितनी कॉस्ट है, लिखो कैलकुलेट 5,600, इस 5,600 को कितने यूनिट कितनी कॉस्ट की परचेज हुआ, नहीं 17,500, 5,600 में 17,500 प्लस कर दो 23,000 कितना सोल्ड हो गया, या सोल्ड नहीं कहना चाहिए सॉरी, यहां कहना चाहिए कितना इश्यूड हो गया 14,630 माइनस कीजिए, देखिए ये आना चाहिए, मैं रिपीट कर दूं आप लोगों के लिए, ओपनिंग की कॉस्ट लीजिए, जो रिसीव हुए उसकी कॉस्ट प्लस कीजिए, जो इश्यू हुए उसकी कॉस्ट माइनस कर, यही बात यूनिट्स में भी हो सकती है, सोचिए कितने यूनिट्स थे 400, कितने रिसीव किए 1400, कितने हो गए 1800, 1100 माइनस कर दीजिए कितने बचे 700, चलो यह था FIFO मैथड, ठीक है जल्दी से खत्म करते हैं।